हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो यारो, मैं आ चुका हूँ इस वक्त करेंट पे और आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ यानी कि 10 लोकेशन ऐसा, यानी कि करेंट पर सही 10th लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा मैं कितने अच्छे लोकेशन पे काम करता हूँ। ठीक है, हालांकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लोकेशन अच्छी खासी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा आउटर में रहते हैं या तो फिर बेहद ही ज्यादा शहर में रहते हैं। और जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो लोकेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप सभी को यही सारी चीजें दिखाने वाला हूँ और कुछ काम की भी जानकारी देने वाला हूँ उसमें, कि आखिर क्या मतलब है इन लोकेशन का, होने का मतलब क्या है और इस लोकेशन पे काम करने का क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी तमाम तरह की जानकारियां देने वाले हैं आप सभी को। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और मैं क्रेन से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते रहता हूँ, कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसके लिए मैं आप सभी को बताता चलता रहता हूँ हमेशा से कि कुछ न कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन भरा वीडियोस देता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ मेट्रो। सबसे पहले मेट्रो से हम स्टार्ट करेंगे और मेट्रो कहाँ पे है आप सभी को दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे येलो कलर में मैं मार्क कर देता हूँ, ये मेट्रो का स्टेशन है और वहाँ पे केवल मेट्रो का पतरा दिख रहा है। पतरा आप समझते हो, यानी कि ऊपर का करकट दिख रहा है। ठीक है, ऊपर का जो करकट क्या बोलते हैं, सीटा वगैरह होता है ना, वो दिख रहा है गाइस। और पहला लोकेशन हो गया जो आपको नोटिस कर ही लिया होगा कि आखिर कैसा दिखता है। ठीक है, अब चलो दूसरी लोकेशन की बारी है। चलो अब बारी है दूसरे लोकेशन की, और दूसरे लोकेशन क्या हो सकता है कमेंट में अभी से रिप्लाई जरूर से कीजिए। रिप्लाई जरूर से करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप समझ सकते हो कि मेन सिटी में रहने का मतलब क्या होता है और मेन सिटी में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले आप कॉमेंट में रिप्लाई जरूर से दीजिएगा और मैं आप सभी को दूसरा सबसे अमेजिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपको खुशी ठिकाने पे नहीं रहेगी क्योंकि अमेजिंग लोकेशन है भाई। तो चलो वो दिखाते हैं। तो हम यहाँ से इस साइड में आ जाते हैं और इस साइड से हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे बेस्ट लोकेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है कॉमेंट कीजिए, अब हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम घुमा दिए हैं अपने फोन को और यहाँ से देखने को मिला होगा अमेजिंग लोकेशन। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप सभी को, चलो मैं मार्क कर देता हूँ कि आखिर क्या है। यहाँ पे सामने में दिखने को मिल रहा होगा एक खूबसूरत सा चर्च। ये चर्च है और बहुत ही अमेजिंग चर्च है, जबकि मैंने इसे काफी नजदीक से देखा था कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। तो वो चर्च है और उसके रास्ते मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसके दूसरे रास्ते देखे थे, और वो जैसे पहाड़ी इलाका होता है तो वो हाइट पे लोकेशन देखने को मिला था और वहां पे काफी ज्यादा क्राउड था। कब देखा था याद नहीं है, अभी ज्यादा नहीं हो रहा है, एक महीने के अंदर अंदर देखा था। हालांकि नजदीक है लेकिन मैं उधर ज्यादा जाता नहीं है, इसलिए मुझे जगह का ज्यादा अंदाजा नहीं है। हालांकि उस जगह का नाम शिवाजी नगर है और वो चर्च वहीं पे देखने को मिलता है। तो अब तक आपने चर्च देख लिया, मेट्रो देख लिया, अब क्या देखना बाकी रह गया है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी से कमेंट करना शुरू कर दो आखिर क्या हो सकता है अगला। तो बहुत ही अमेजिंग है और जो कि हर किसी व्यक्ति से, हर किसी व्यक्ति के जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। आखिर वो कैसे जुड़ा हुआ है, पहले उस लोकेशन को देखना तो बनता ही है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि आपके जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है वो चीज। तो चलिए हम उसे आप सभी को फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि सेम लोकेशन पे है, बस थोड़ी सी ही दूर पे है। तो हम आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, चर्च है। चर्च के बाजू में राइट साइड में जो दिख रही है, यानी कि ये वाला, ये जो चीज दिख रही है आप सभी को, ये क्या है आप सभी को पता है? ये एक स्कूल है और छोटा मोटा स्कूल नहीं, बहुत ही बड़ा है और इसमें काफी बड़े बड़े बच्चे लोग पढ़ने को आते हैं। तो समझ सकते हो कि कितनी बड़ी स्कूल हो सकती है, और मुझे लगता है कि वहां पे 1000 से भी ज्यादा का बच्चे पढ़ाई करते होंगे। 1000 मैंने कम बोल दिया, उससे भी ज्यादा होगा क्योंकि मैंने जो देखा वहां पे 6th फ्लोर 7th फ्लोर तक, मतलब 6-7 माले का बिल्डिंग था वहां पे,
और उसी बिल्डिंग में बच्चे लोग पढ़ाई करते थे, यानी कि बहुत बड़ा स्कूल है और वहां पे एक नहीं बल्कि दो दो स्कूल है, मतलब एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। और एक की प्रिंटिंग जो है वो येलो कलर में और थोड़ा डार्क ग्रीन डार्क रेड टाइप का है, और जो दूसरा है वो ग्रीन कलर में है। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लिया, आपसे जिंदगी से जुड़ा हुआ है या नहीं कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिएगा। तो अभी तक आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशन देख लिए हैं और आप सभी को एक और अमेजिंग चीजें दिखाने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपसे जिंदगी से बहुत ही करीब जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रह सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता चल चुका होगा। तो हम आप सभी को दिखाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन, और उसी लोकेशन के एरियाज में है, यानी कि जितना भी मैं क्रेन से दिखा रहा हूँ लगभग नहीं कह सकता, तो सब चीज यानी कि आधे किलोमीटर के दायरे में जुड़ा हुआ है और कुछ चीज उससे भी कम में जुड़ा हुआ है। तो हम उसी लोकेशन पे मतलब घुमाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और क्रेन के सामने देखने को मिल रहा होगा हमारा क्रेन, लेकिन सामने में एक और बिल्डिंग है, यहाँ क्लोज में करते हैं। ये ब्लू कलर में बिल्डिंग जो दिख रही है आप सभी को, ये क्या हो सकता है? इसे और भी जूम करते हैं, दिख रहा है आपको ये आखिर क्या हो सकता है? आप सभी को पता है वो क्या है? वो एक प्रकार का हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल ऐसा वैसा हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे तमाम तरह के बड़े बड़े इलाज होते हैं, बड़े बड़े समझ सकते हो। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे कि शरीर के अंदर की हैवी हैवी इलाज वहां पे होते हैं, तो वहां पे वो एक हॉस्पिटल है और वहां पे हमेशा से क्राउड देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वहां पे इमरजेंसी के लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपने अब तक बहुत सारी चीजें नोटिस किया होगा कि हमने अब तक कितनी हैवी हैवी लोकेशन दिखाने की कोशिश की है। एक और लोकेशन है जो बड़ा ही तगड़ा है। तो अभी का जो लोकेशन होने वाला है वो बड़ा ही एक्साइटमेंट है, ठीक है? वो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है कि वो इस एरिया को भी कंट्रोल करता है। तो दिमाग लगाओ आखिर वो क्या चीज हो सकता है जो इस पूरे एरिया को, यानी कि महाराष्ट्र में कह सकते हैं कुछ लोकेशंस हैं, ज्यादा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इस एरिया के बारे में मुझे पता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और क्या हो सकता है वो कमेंट में फटाफट से रिप्लाई जरूर से दीजिएगा, और वो उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट होंगे, मुझे खुद भी पता है आखिर वो क्या होगा जो सारे एरिया को कंट्रोल कर रहा होगा। तो सभी लोग को चलो दिखाते हैं कि आखिर क्या चीजें हैं। तो हम फटाफट से इस साइड का यानी कि राइट साइड का खिड़की खोल लेते हैं और यहां से दिखाते हैं आप सभी को। यहां पे हमने क्रेन घुमा लिया, ये व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है आपको, चलो और क्लोज करते हैं। ये व्हाइट बिल्डिंग जो दिख रही है ना आप सभी को, ये क्या हो सकता है? अंदाजा लगा पाओगे आप? अंदाजा नहीं लगा पाओगे। खिड़की बंद कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा इधर कुछ दिखाने के लिए तब खोलते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ यार, इलेक्ट्रिसिटी का मेन ऑफिस यानी कि अडानी का ऑफिस है। ये है ना बड़ा ही शॉकिंग, ये अडानी का ऑफिस है और यहाँ से मतलब इस एरिया को मतलब कंट्रोल किया जाता होगा मेरे ख्याल से। और ये अडानी का जो ऑफिस है, मैं उस साइड में गया हूँ, बहुत ही हैवी लेवल से बनाया गया है इसे, और यहाँ के लोग भी जो है मतलब बड़े बड़े जो स्टाफ है वो भी देखने को मिलते हैं अक्सर से, जो कि यहाँ पे अडानी ग्रुप का कुछ तो ऑफिस है भाई। और इतना पता है मुझे कि इस एरिया को ही कंट्रोल मेरे ख्याल से वो शायद से करते होंगे, क्योंकि मैंने जहां जहां पे बोर्ड देखे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो बोर्ड होते हैं ना उस पर अडानी लिखा हुआ रहता है। तो भाई ये है बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज, तो है ना इस एरिया को कंट्रोल करने वाला। तो आपके एरिया में कौन है कंट्रोल करने वाला, वो कमेंट में अपने रिप्लाई फटाफट से जरूर से कीजिएगा। अभी जो लोकेशन होने वाला है वो बेहद ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, और वो भी आपके लाइफ से बेहद ही ज्यादा जुड़ा हुआ है, और वो बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और आपके फैमिली मेंबर के लिए भी। फैमिली मेंबर में जरूरी नहीं कि फैमिली मेंबर में बड़े लोगों के लिए, वो किसी और के लिए भी हो सकता है। तो फटाफट से सोचो और कमेंट में रिप्लाई करो कि आखिर वो कौन सी लोकेशन होने वाली है। तो देरी ना करते हुए मैं आप सभी को दिखा देता हूं यार, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और हम खोलने वाले हैं राइट साइड का क्या कांच, यहां से हम खोलते हैं। तो ये अडानी तो दिखता ही है, अब यहां देखो, यहां पे हम जूम करते हैं,
ये ब्लू कलर में दिख रहा है, क्रॉस बना हुआ है, क्रिश्चियन का ये है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है आप सभी को पता है? नहीं पता होगा ना, उसके बारे में आपका भाई ही जानकारी देने वाला है। वो है बच्चों का स्कूल, और लगभग 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं ना, और लगभग 8-10 साल के बच्चों तक वो स्कूल है। यानी कि हमने जो इससे पहले स्कूल दिखाया वो एकदम बड़े बच्चे लोगों के तक का स्कूल है, लड़के लोग कह सकते हैं, लड़के लड़कियों तक का। लेकिन ये जो है ये बच्चों का स्कूल है, और मुझे लगता है LKG UKG और मतलब बहुत छोटे बच्चे लोगों के लिए वो स्कूल है, और फिर थोड़ा 8-10 साल तक के बच्चों के लिए वो स्कूल है। तो है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। फैमिली में अगर बच्चे हैं तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से नजदीक से नजदीक पढ़ाई कर सकते, लेकिन है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। अब क्या देखना बाकी रह गया आप सभी को पता है? एक नहीं बल्कि दो बड़ी बिल्डिंग, जिससे कि इस एरिया में छांव देखने को मिलती है और कभी कभी नहीं देखने को मिलती है। तो वो लोकेशन भी आप सभी को दिखा देते हैं। ये बड़ी वाली बिल्डिंग जो यहाँ से सामने से दिखता है भाई, अमेजिंग है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पानी के फुहारे फेंक रहे हैं भाई, है ना अमेजिंग। पानी के फुहारे इतने मस्त फेंक रहे हैं, दिखने में मालूम पड़ता है। तो ये बड़ी बिल्डिंग है जो अलग तरीके की डिजाइन में बनी हुई है। मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है इस बिल्डिंग को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और एक और बिल्डिंग है इस साइड में, वो अगले वीडियो में दिखा देंगे। अगर आपने देखा होगा तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से दीजिएगा। उसका नाम राजमधुर है। तो बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।